Hold up. सारी लिखी है ना जिदा जो इतिहास है बाबे का जी बाबे लिखा जी ठीक पढ़ तो सारे हाँ जी ठीक हो गया मैं मतलब अरदास करानी थोड़ा जहा ना वेख्या करो पुराना रोग देर लग जाती थोड़ी 40 दिन नहीं कहने 40 दिन तो कही भी जिन्हों का पहला जल्दी 10-20 दिन ठीक हो जाता ना उन्होंने कह दीजिए भी 40 दिन परहेज करना है 40 दिन तो बाद जो उपर टाइम लगता जिन्ना चेर अपना रोग नहीं हटता वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी इधर से इतने मजे आ रहे हैं त्याग से देखिए अभी तक हाँ जी पढ़ ले त्याग पढ़ ले पूरा उठ जाया कर देंगे उठे रोग वाला आ गया उठे हाँ जी महाराज मेरा रोग कटो महाराज ने सारी संगत कठिया किया जिड़े सिंह ने अजे तक मेरे लंगर जल प्रसाद नहीं छकिया वो उठ के सिंह जफी पा लो वो सिंह साडा जिहड़ा बाबा ही चुप करके बैठे रहे भी होर भी कोई हो सकता है हाँ जी दो चार बोले नहीं उठा फिर उन्हें आके उठाया बाबा चंबल आया तो उठ के इनू पला सुहा दे वो कहता जी मैं गरीब आदमी मेरे च निकली सकती है मैं मेरे उठन वाले का रोग हट जूगा कहते जिन्ना चेर तारी जद तेरा कोल रहूगी मेरे को तो बचे बचे तो रही ठीक होगा उनका सू उ वर मिले इतों मुड़ के उन्हें कहा भी मेरी इन्नी संगत कलयुग के रोग बढ़ जाना जल पानी खा सकते
ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਆ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਚੜਨਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਆ ਵੀ ਗੁੜਦਾ ਉਹ ਛਕਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਂਜੀ आशीर्वाद बड़ा शुगर वाहेगुरु तो ये है दोस्तों गुरुद्वारा सिरद सर साईं करके नाम है गुरुद्वारे का तरन तारन के पास। तो मेन मोटिव हमारा इसी गुरुद्वारे में आने का था, तभी ये ट्रिप प्लान करी थी। तो कुछ इमरजेंसी थी, मदर को कुछ प्रॉब्लम थी, तो सुना है इस गुरुद्वारे के बारे में कि यहाँ से सबका इलाज हो जाता है, तो इसलिए मदर को लेके आना ज़रूरी था। तो फिर बुआ भी रहती है मेरी अमृतसर में, तो फिर उनसे भी मिलना था, तो इसलिए ये ट्रिप प्लान करा 2-3 दिन का। तो ये है गुरुद्वारा सिद्ध सर साईं। तो यहाँ पे हर प्रकार का रोग ठीक हो जाता है, शुगर। तो बाकी बाबा जी ने कहा कि मतलब जो मतलब फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, अब्रॉड में, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी, तो वो मतलब वहाँ से भी अरदास कर देते हैं ना, तो वैसे भी वो सही हो जाते हैं। और वो मैंने आपको मिट्टी भी दिखाई वहाँ पे, जो मिट्टी का ढेर बना हुआ था,
तो वो मिट्टी लगानी होती है जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है ना, तो वो सही हो जाता है। बाकी सारी बात रही विश्वास के ऊपर, बाबा जी ने यही कहा है कि विश्वास करके जाना और विश्वास करके लगाना। बात तो सच है, सारी बात विश्वास पे ही खड़ती बाद में आके। तो यही है यहाँ का महत्व, ये तरन तारन के पास है ये गुरुद्वारा, पिंड के बीच में बना हुआ है, ये चंबल जट्टा करके पिंड है, वहाँ पे तरन तारन से मतलब 5-6 किलोमीटर आगे। तो अगर आपके में से भी अगर किसी के परिवार को कोई दिक्कत परेशानी है, शुगर की बीमारी हो या कुछ भी हो, विश्वास हो आपको, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हाँ जी भाई दोस्तों, तो होप करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो जैसे आपने वीडियो देखी, ये है सिद्ध सर साईं जी का गुरुद्वारा है, तरन तारन ज़िले में, पिंड है चंबल जट्टा और बस स्टैंड है वहाँ का सेरो। अगर आप बाय बस जाते हो तरन तारन उतर के, तो बस स्टैंड तक जा सकते हो सेरो, वहाँ से अंदर ही है 1-2 किलोमीटर अंदर है। तो तरन तारन से अराउंड 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गुरुद्वारा, सिद्ध सर साईं जी का गुरुद्वारा है ये। तो यहाँ पे माना जाता है कि चमड़ी का रोग मतलब स्किन प्रॉब्लम हर तरह की ठीक हो जाती है यहाँ पे। तो बाबा जी ने तो ये तक भी कहा कि यहाँ पे शुगर की भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो अगर आपके परिवार में, मैं तो प्रार्थना यही करता हूँ कि ना ही हो किसी को स्किन प्रॉब्लम, अगर है तो आप भी अगर श्रद्धा रखते हो, भगवान के ऊपर विश्वास है आपका, तो आप जा सकते हो इस गुरुद्वारे में। पहले मेरी मदर के बारे में मैं बता दूं, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको थी सोराइसिस की प्रॉब्लम। सोराइसिस में क्या होता है, या तो वो होती है सिर के ऊपर या होती है पैरों में ज़्यादातर। तो सोराइसिस में मतलब खारिश होती है बहुत ज़्यादा, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और रेड रेडनेस हो जाती है, जैसे रेड रेड स्पॉट बन जाते हैं। तो ऐसे इसमें ना वो छोटे छोटे रेड रेड पूरे दाने दाने से हो जाते हैं सिर में। तो सिर में हो तो बाल भी उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े थोड़े। तो यही था कि सोराइसिस की दिक्कत थी मेरी मम्मी को, तो बहुत इलाज करवाया, एलोपैथिक भी होम्योपैथिक भी, तो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे ही हमारे नेबर में एक आंटी जी हैं, तो उन्होंने बताया जब मेरी मदर ने बात करी कि मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके रिलेटिव को भी किसी को सोराइसिस ही था। तो वो सोराइसिस वर्ड सुन के उन्होंने कहा कि आप उस गुरुद्वारे में जाओ, मत्था टेको, तो आप भी ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरा रिलेटिव भी ठीक हुआ है। मदर को वो रख लगाते हुए, जो वहाँ से रख लेके आते हैं, वो लगाई, श्रद्धा से लगाई। तो आज हो चुके हैं मेरी मदर को लगाते हुए अराउंड 30-35 दिन हो चुके हैं। तो 40 दिन का तो मेन परहेज होता ही होता है। तो जैसा आपने वीडियो में भी सुना होगा, कहीं आना जाना नहीं, अगर जाना भी है तो किसी के घर रात को रहना नहीं, किसी को जूठा देना नहीं अपना, किसी का जूठा खाना नहीं। तो ये सब कुछ वहाँ पे पाबंदियाँ हैं या परहेज कह लो करने होते हैं। तो आज 30-35 दिन हो चुके हैं मेरी मदर को, तो अराउंड 90-92% मम्मी ठीक हो चुकी हैं, जो सोराइसिस की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी हैं। अब थोड़ी बहुत कभी कभार इचिंग होती है, लेकिन जो रेडनेस थी ना, रेड रेड स्पॉट बने हुए थे या जो दाने हो रहे थे स्किन पे, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं अब। तो जो थोड़ा बहुत रह गया है वो बाबा जी और मेर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी होप करते हैं ठीक हो जाए मेरी मदर। तो इस स्थान पे मतलब जो भी अपना इलाज करवाने जा रहा है ना, तो उसको वहाँ के गुरुद्वारे का या उस पिंड का, जो चंबल जट्टा पिंड है, वहाँ का पानी तक भी नहीं पीना, खाना तो दूर की बात है, तो कुछ खाना पीना नहीं है वहाँ से जो इलाज करवाने जा रहा है। तो जो साथ जा रहे हैं वो खा पी सकते हैं, जैसे हमने वहाँ का चाय प्रसाद लिया, तो लेकिन मेरी मदर ने वहाँ पे पानी तक भी नहीं पिया, खाली गुड़ का प्रसाद जो वहाँ से मिलता है वही खाना होता है। तो मैं थोड़ी पिक्स दिखाता हूँ पीछे कैसे ही मतलब रेड रेड हो रही थी स्किन मेरी मदर की, और अब मम्मी के पास जाके दिखाता हूँ तो अब कैसी हैं। तो जो पहले बाल उड़ रहे थे वो भी स्टार्ट हो गए हैं आना। तो आओ अब मैं मदर से पूछवाता हूँ कि उनको अब कितना फ़र्क लगता है, क्योंकि असल में तो वही बता सकती हैं। ये देखो, पहले जैसे आपने फोटो में देखा कि कितना रेडनेस था, अब ये जैसे ब्लैक ब्लैक रह गए हैं थोड़े से। तो बताओ मम्मी अब कैसा लगता है आपको? बहुत सही लगता है अब तो। फ़र्क महसूस होता है? बहुत ज़्यादा।
जैसे देख सकते हो यहाँ पे पहले ये सारे बाल उड़ गए थे थोड़े थोड़े, तो अब देखो ये जैसे ये छोटे छोटे बाल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सोराइसिस में ये सारे बाल उड़ जाते हैं और इचिंग भी बहुत होती है, छोटे छोटे दाने टाइप हो गए थे सिर में, अब वो बिल्कुल नहीं है। अब ये थोड़े बहुत रह गए हैं तो बाबा जी चाहेंगे तो अब ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। तो ये पूरे सिर में फैल गई थी पीछे तक, तो इसमें कलर वगैरह नहीं लगाना होता क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो खाली रख ही लगानी होती है, शैम्पू साबुन कुछ नहीं, खाली दही से सिर धो और रोज़ धोना होता है क्योंकि वो पुरानी रख जमती रहेगी तो नई असर कैसे करेगी, तो रोज़ रख का लेप करना होता है और दही से खाली सिर धोना होता है। तो अगर आपके परिवार में भी किसी को है स्किन प्रॉब्लम, पहली बात तो होए ना भगवान करे, अगर है तो आप भी वहाँ पे जा सकते हो अगर आपको श्रद्धा है भगवान के ऊपर। तो क्या कहना चाहोगे मम्मी और कुछ? मैं तो कहती हूँ वाहेगुरु जी ने बहुत मेहर की है मेरे पे, तो अच्छा वाहेगुरु जी ने बहुत मेहर की है। अब तो नहीं जाता बार बार हाथ आपका? नहीं, वो आदत सी पड़ी हुई है तो किसी समय चला भी जाता है। अच्छा हाँ। ओए पापा आपको कैसे लगता है, मम्मी को फर्क है कि नहीं? फर्क है, काफी फर्क है, काफी फर्क है। अब चल हो गई ना खारिश करने की उंगलियां ऐसे घुमाने की, वो आदत से परेशान है, ऐसे तो काफी फर्क है। पहले जब मैं खारिश करती थी ना तो इतनी इचिंग होती थी कि खून भी निकल आता था किसी समय, अब खारिश होती है तो नॉर्मल होती है, स्किन भी लाल नहीं होती, पहले तो बहुत स्किन भी लाल हो जाती थी। हाँ अब तो बहुत फर्क है, बाबा जी की मेहर है बस। तो जैसा आपने देखा कि मेरी मदर ने भी बताया कि बहुत फ़र्क है, तो अब जैसे वो ब्लैक ब्लैक से रह गए हैं निशान, तो जैसे वो पहले पिक में भी आपने देखा कि कितने रेड थे, तो वही है, अब 90-95% ठीक हो चुके हैं, अब ये 5-10% रह गया है, वो भी बाबा जी की मेहर रही तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, तो फिर जाएंगे मत्था टिकाने शुक्राना करने उनका। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए तंदुरुस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, ठीक है? तो अपने घर वालों का ख्याल रखो और ये वीडियो शेयर कर देना अगर आपकी जान पहचान में किसी को दुख तकलीफ़ है स्किन से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, और उसका विश्वास है ऊपर वाले पे तो वो जा सकता है यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, जो पहली बारी मेरी वीडियो देख रहा है, और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो यहाँ से रिलेटेड या कुछ भी तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकता है कोई भी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम पपी